आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ की बात करने वाले हैं और ये ऐसी मूवीज़ हैं जिनको आप राइट नाउ अभी देख सकते हैं और मोस्ट ऑफ द मूवीज़ 2023 की हैं। और इस लिस्ट के अंदर हम लोग टोटल 25 मूवीज़ को कवर करेंगे जो कि अलग अलग जॉनराज के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि इसके अंदर आपको साइंस फिक्शन, एलियन, हॉरर, थ्रिल, एक्शन, कॉमेडी, हर तरीके की मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी और मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल हैं। हमारी सबसे पहली मूवी है ह्यूसेरा द बॉर्न वूमन। ये मूवी 2022 में आई है और ये एक हॉरर मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जो कि काफ़ी समय से ट्राई कर रही होती है अपने हस्बैंड के साथ कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन कुछ कारणवश वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती है। बट एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद असली समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं मूवी के अंदर पहले कि ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन उसके बाद ये कुछ ऐसी गलतियाँ करने लगती है जानबूझकर, इसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है मूवी देखते हुए कि ये खुद अपने बच्चे की दुश्मन है। लेकिन एक तरफ तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो आखिर इसको ये क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसके फैमिली मेंबर्स का व्यवहार क्यों बदल गया और एक्चुअल में क्या चल रहा है वो आपको इस मूवी के अंदर पता चलेगा। काफ़ी कमाल की मूवी है बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है पास्ट लाइफ्स। ये मूवी 2023 में आई है। ये एक कोरियन ड्रामा रोमांस मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो दोस्तों की, यानी कि एक लड़के की एक लड़की की, जो लोग बचपन में एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। बट उसके बाद इन दोनों की फैमिलीज अलग हो जाती है। लड़की की फैमिली साउथ कोरिया को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाती है, जिसके बाद 20 साल बीत जाते हैं और 20 साल बाद इनकी मुलाकात एक ऑनलाइन ऐप की मदद से होती है, जिसके बाद आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में लाइन गेट्स प्ले पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है बार्बी, जो कि 2023 में ही आई है और इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं बार्बी की, जिसकी पावर्स एक दिन चली जाती हैं। वो बार्बी लैंड के अंदर ढंग से नहीं रह पाती, जिसकी वजह से उसको बताया जाता है कि उसको नॉर्मल दुनिया के अंदर जाना होगा ताकि उन सारी चीज़ों को ठीक कर सके। तो आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है कि नॉर्मल दुनिया के अंदर जब बार्बी जाती है तो क्या होता है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और जिन लोगों को LGBTQ वाली मूवीज देखना पसंद नहीं है वो इस मूवी को ना देखें, क्योंकि ये एक LGBTQ मूवी है और इस मूवी को नॉर्मल लोग, हम जैसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है द नन 2, जो कि द नन मूवी का ही सीक्वल सेकंड पार्ट है और ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। पहली मूवी की एंडिंग जहां से हुई थी, जहां पे हमने देखा था कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसने नन को हरा दिया था या हमें ऐसा लगा था कि उसने मार दिया था, तो इस मूवी के अंदर वो नन वापस आ गई और इस बार हमारी मेन कैरेक्टर कैसे उसका सामना करती है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है डम मनी। ये मूवी 2023 में आई है और ये एक बायोग्राफी कॉमेडी मूवी है जो कि असली घटना पे आधारित है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2020 की, जब लॉकडाउन लग जाता है पूरी दुनिया के अंदर, तो एक यूट्यूबर होता है जो कि रेडिट पे भी एक्टिव होता है, तो इसके दिमाग में आता है कि एक शेयर खरीदता है एक ऐसी कंपनी का जो कि ऑफलाइन गेम्स सेल करती है, जिसका कोई भी स्कोप दूर दूर तक हम लोगों को लगता नहीं है। पता नहीं क्या इसके दिमाग में आया, इसने उस कंपनी में अपने $54,000 अपनी सेविंग, सारी की सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी, जिसके बाद इसके बारे में ये रेडिट पे बताता है, यूट्यूब पे बताता है और बाकी लोग भी उसमें इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिसको देख के सिलिकॉन वैली के जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, जो कि वहाँ के बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग इस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास होता है कि इस कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं वो गिरेंगे और उससे वो लोग बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अब इसके बारे में हमारे हीरो को और बहुत से लोगों को पता लगता है और एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है कि हमें सिलिकॉन वैली वालों को उनकी औकात दिखानी, अमीरों को उनकी औकात दिखानी, जिसके बाद इस आदमी ने जो $54,000, जो कि ज़्यादा नहीं होते, लगभग 40-42 लाख होते हैं, वो $54,000 सीधे $40 मिलियन हो जाते हैं। वो कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब कि इतना ज़्यादा पैसा कमा रही होती है कि पैसा परसेंटेज में नहीं कई गुना बढ़ रहा होता है, 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन सिलिकॉन वैली वालों के बिलियंस ऑफ डॉलर, 1,08,300 करोड़ रुपये को कहा जाता है, तो उससे कई गुना ज़्यादा उनका पैसा डूब जाता है। तो पूरी कहानी क्या है, कैसे सब कुछ हुआ, वो आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। करंटली ये मूवी अभी थिएटर्स में लगी है बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ये मूवी अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी ओपनहाइमर, जिसके बारे में आप लोग पहले से ही और पूरी दुनिया जानती होगी। ये ओपनहाइमर की बायोग्राफी के ऊपर बेस्ड एक मूवी है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है। एटॉमिक बॉम्ब के जो जगत हैं, जिनको ओपनहाइमर कहा जाता है, उनके ऊपर बेस्ड ये एक बायोग्राफी मूवी है जो कि हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में लगी हुई है और जल्द ही ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आने वाली है। इस मूवी को रेटिंग्स में 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द इक्वलाइजर 3, जो कि इक्वलाइजर का ही थर्ड पार्ट है और भी रिसेंटली 2023 में ही ये मूवी आई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो दो मूवी के बाद, यानी कि इक्वलाइजर 1 और 2 के बाद, आराम की जिंदगी जीना चाहता है, जिसके
के लिए ये इटली में पहुंच जाता और वहां पे बड़े ही आराम से रह रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स को इससे बहुत प्यार है, इसीलिए वो इसको शांति से बैठा हुआ नहीं देख सकती, जिसके बाद इटली के अंदर मौत का खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि वहां के जो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं, जो माफिया वाले हैं, वो लोग वहां की नॉर्मल जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, जो हमारे हीरो से नहीं देखा जाता। तो ऐसे में आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है हॉन्टिंग इन वेनिस। ये मूवी 2023 में आई है और ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले दो पार्ट्स और आ चुके हैं इस मूवी के, जिसमें सबसे पहली मूवी थी ओरिएंट एक्सप्रेस और दूसरी थी डेथ ऑन द नाइल। इन दोनों के बाद ये थर्ड मूवी आई है, जिस मूवी को थोड़ा सा हॉरर रखा गया, क्योंकि इससे पहले की जो दो मूवीज थी वो एक डिटेक्टिव मूवी थी, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें हॉरर एलिमेंट भी देखने को मिल जाता है। कहानी दिखाई गई है हमारे हीरो की, मेन कैरेक्टर की, जो कि वेनिस जाता है एक धर्म सभा को अटेंड करने के लिए, बट वहां पे एक मर्डर हो जाता है। अब इसको ये पता लगाना है कि मर्डर किया किसने, लेकिन ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि उस मर्डर के पीछे कोई आत्मा या भूत डीमन कुछ भी हो सकता है, जिसका पता आपको इस मूवी के अंदर लगाना है। ये मूवी इस समय थिएटर्स में लगी है, बट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये मूवी अवेलेबल है। इस मूवी की रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर, जो कि एक शॉर्ट एडवेंचर कॉमेडी मूवी है और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये मूवी सिर्फ 37 मिनट्स की है, उससे ज्यादा लंबी नहीं है। इस मूवी के अंदर हमें मेन लीड में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिल जाते हैं। कहानी दिखाई गई हेनरी सुगर नाम के एक आदमी की, यानी कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिन्हें कसिनो के अंदर जाके बहुत सारे पैसे जीतने हैं, जिसके लिए ये खास तरह की स्किल डेवलप कर रहे हैं, जिसकी मदद से चीजों की पार देख सकते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए ये भारतीय योग की सहायता ले रहे हैं। अब क्या इसमें सफल हो पाते हैं और किस तरीके से इस जादुई शक्ति का यूज ये करते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द डेविल ऑन ट्रायल। ये मूवी 2023 में ही आई है और ये एक डॉक्यूमेंट्री क्राइम हॉरर मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है इस मूवी की, यानी कि कॉन्जरिंग के थर्ड पार्ट की। क्योंकि इस मूवी के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई थी, यानी कि भूत के ऊपर आत्मा के ऊपर जो केस चल रहा होता है कोर्ट के अंदर, वो स्टोरी बहुत रियल ढंग से एक्चुअल जो हुआ था वो सब इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इस मूवी के अंदर, यानी कि कॉन्जरिंग मूवी के अंदर, हमें वो सारी चीजें फिक्शनल तरीके से दिखाई गई थी, क्योंकि मूवी के अंदर ड्रामा डालना और फिक्शनल कैरेक्टर्स डाले जाते हैं ताकि मूवी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री मूवी के अंदर, जो कि नेटफ्लिक्स की है, इसके अंदर हर चीज बिल्कुल एज इट इज दिखाई गई और फैमिली के साथ आप इस मूवी को देख सकते हैं, बट बच्चों से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि इस मूवी के अंदर रियल भूत प्रेत की आवाजें आपको सुनाई गई, एक्चुअल की सारी चीजें वीडियो फुटेजेस आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है नो हार्ड फीलिंग। जो मूवी अभी 2023 में आई है, ये कॉमेडी रोमांस और एडल्ट मूवी है, जिसको आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर आप अमेरिकन पाई मूवी देख रहे हैं या आपने देख रखी है, तो वैसी ही कुछ ये मूवी भी है। सिमिलर नहीं है, लेकिन हाँ वैसी ही ये एक एडल्ट मूवी है, जिसको आप फैमिली के साथ या अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते। इस मूवी के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि 19 साल का हो गया, लेकिन काफी ये शाई है। ये घर के अंदर ही रहता है, अपने मॉम डैड के साथ रहता है, बाहर नहीं जाता, लड़कियों से नहीं मिलता, जिसकी इसके माता पिता को काफी चिंता है। पता नहीं इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा चिंता है, जिसकी वजह से वो एक लड़की को हायर करते हैं ताकि वो इसको बाहर ले जाए, लड़की के साथ घूमे फिरे, समझ सकते हैं आप, सारी चीजें करे और ये एक मर्द बन जाए उनकी नजर में। इसको ही मर्द बनना कहते हैं, तो वो लोग ये सारी चीजें चाहते हैं जो ये लड़की, यानी कि हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर जेनिफर, इस लड़के से करवाएंगी। तो आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। काफी अच्छी फनी कॉमेडी मूवी है, जिसको आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो Z5 पे। बट इस मूवी को अपने दिमाग में एज इट इज मत उतारिएगा कि यही सारी दुनिया है, ये लड़कियों के साथ घूमना, बाहर जाना, दुनिया इससे काफी अलग होती है, लेकिन फन के लिए ये मूवी काफी अच्छी है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है नो वन विल सेव यू। ये मूवी 2023 में ही आई है, ये एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि अपने घर में बिल्कुल अकेले रहती है और इसका घर एक सुनसान जगह पे है, जहां पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ऐसे में एक दिन रात में इस लड़की के घर पे एलियंस हमला कर देते हैं और वो एलियंस इस लड़की को पकड़ के ले जाना चाहते हैं, जो भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। बट इस मूवी को आप बड़े ही आराम से देख सकते हैं, जबकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि इस मूवी के अंदर 99% डायलॉग्स ही नहीं है। उसके बाद भी आप इस मूवी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक किस तरह उस एलियन से बचती है और एलियन क्यों आए हैं ये जानने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ये मूवी हुलू पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है लॉन्ग शॉट। ये मूवी 2019 में आई थी, ये कॉमेडी रोमांस मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, एक लड़की की, जो लोग बचपन में एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद ये लोग कभी मिल नहीं पाए, लेकिन अब काफ़ी सालों बाद इन लोगों को वापस मौका मिलता है, मतलब कि लड़के को और लड़की को दोनों को मौका मिलता है। बट यहाँ पे समस्या ये है कि लड़का, जो कि एक नॉर्मल सा जर्नल
जर्नलिस्ट और दूसरी तरफ लड़की पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वुमन है क्योंकि वो यूएस की प्रेसिडेंट बनने वाली है। ऐसे में इन दोनों का प्यार क्या टर्न लेता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। बाकी ये कॉमेडी मूवी पहले है, रोमांस मूवी बाद में, तो इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। ये मूवी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस मूवी के रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है मिशन इम्पॉसिबल 7 यानी कि डेड रेकनिंग पार्ट 1। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिस मूवी के बारे में बहुत से लोग बहुत सारी चीजें जानते होंगे, बट ये मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। जिस मूवी को रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द कॉन्फ्रेंस। ये मूवी 2023 में आई है। ये एक कॉमेडी हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक टीम की जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम होती है। ये लोग एक कॉन्फ्रेंस के लिए एक बिल्डिंग में इकट्ठा हुए होते हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये लोग थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, आराम से सोने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी नींद में इनके चैन में विघ्न डाल देता है एक सीरियल किलर जो कि एक मास्क लेके पहुंच जाता है इनके बिल्डिंग के अंदर। वो एक एक करके हर किसी को मार रहा है, तो आखिर वो इन लोगों को क्यों मार रहा है और एट द एंड कौन बचता है और किस तरीके की ब्रूटैलिटी वो करता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है टोटली किलर। ये मूवी 2023 में आई है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि एक टाउन के अंदर रहती है, बट इस टाउन में एक सीरियल किलर है जो कि बहुत सालों से बहुत सी लड़कियों को मार रहा है और इसको स्वीट 16 किलर कहा जाता है क्योंकि 16 साल के होते ही ये उन लड़कियों को मार देता है जिसने पहले बहुत से मर्डर्स किए हैं। बट अब काफी सालों बाद जो हमारी मेन कैरेक्टर जो कि 16 साल की होने वाली है ये उसके 16 साल के होने से पहले ही उसकी मॉम को मार डालता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट शिकार ये लड़की है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये लड़की वो किलर दोनों टाइम ट्रैवल करने लगते हैं। अब ये लड़की किस तरह अपने आप को बचाती है या उस सीरियल किलर को मारती है टाइम ट्रैवल करते हैं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। इस मूवी के रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है रेप्टाइल। जो मूवी 2023 में ही आई है। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस वाले की जो कि न्यू इंग्लैंड का एक डिटेक्टिव है। इसको एक केस सौंपा जाता है जो कि एक रियल स्टेट डीलर लड़की का केस होता है जिसका मर्डर हो गया होता है, लेकिन उसके किलर का पता नहीं लग रहा होता है, जिसकी जिम्मेदारी इसको दी गई कि इसको पता लगाना है कि आखिर इसका मर्डर किसने किया है। तो किसने किया है मर्डर वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है सॉ एक्स। ये मूवी 2023 में ही आई है। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी और ये मूवी सॉ मूवी का 10th पार्ट है। इस मूवी के अंदर हमें उसी बुड्ढे की कहानी देखने को मिलती है जिसने बहुत से लोगों को प्रीवियस मूवीज के अंदर मारा है, तो उसको ब्रेन ट्यूमर होता है जिसका इलाज कराने के लिए वो मैक्सिको जाता है क्योंकि उसने एक ऐड देखा होता है जिसमें कुछ डॉक्टर्स ये दावा कर रहे होते हैं कि वो बड़ी आराम से किसी का भी ब्रेन ट्यूमर ठीक कर सकते हैं, बट उन लोगों ने एक्चुअल में इसको बेवकूफ़ बनाया होता है। इसका ट्यूमर वैसे का वैसा ही होता है और इससे पैसे भी ले लिए होते हैं, जिसके बाद ये उन सभी लोगों को जबरदस्ती लेकर आता है अपने घर में जहाँ पे उन सभी लोगों के साथ अब ये मौत का खेल खेलेगा। तो आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी द क्रिएटर। ये मूवी भी 2023 में ही आई है। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे नियर फ्यूचर की जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, इतनी ज्यादा एडवांस कि अब इंसानों के रोबोट्स के बीच में एक युद्ध होने लगा है और दोनों में ये होड़ लगी हुई है कि दोनों में से कौन जीतता है, जिसकी वजह से रोबोट्स एक बहुत खतरनाक वेपन को पाना चाहते हैं जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि एक्चुअल में एक यंग चाइल्ड है, रोबोटिक चाइल्ड है, वो वेपन है। अब दोनों में से कौन उसको पहले प्राप्त करता है और क्यों वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, एट द एंड क्या होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी अभी थिएटर्स में लगी है इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर। ये मूवी 2023 में आई है। अगेन ये एक हॉरर मूवी है और ये मूवी द एक्सॉर्सिस्ट मूवी का एक रीमेक है जो कि 1973 में आई थी, उसी मूवी का ये एक रीमेक है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो लड़कियों की जो लोग आराम से स्कूल जाती हैं, लेकिन स्कूल से वापस आते समय ये अचानक से गायब हो जाते हैं, इनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं लगता। पुलिस इनको ढूंढती है, उसके बाद ये लड़कियां मिल तो जाती हैं, लेकिन इन लड़कियों से पूछताछ की जाती है तो इनसे पूछा जाता है कि तुम कितनी देर से गायब हो, कहां गई थी, इनको कुछ भी याद नहीं होता और इनको ये लग रहा होता है कि ये 2-3 घंटे के लिए गायब थी, लेकिन एक्चुअल में ये 3 दिन से गायब थी। पहले तो घर वाले इन सब बातों को इग्नोर
कर देते हैं। वो सोचते हैं कि बेटी आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद ये लड़कियां अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती हैं और इन लोगों को पता लगता है कि इनको डीमंस ने पोजेस कर रखा है। तो आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को 5.0 की रेटिंग मिली है, इस वजह से ये मूवी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में OTT पे आ गई और साथ में ये मूवी थिएटर्स में भी लगी हुई है। नेक्स्ट मूवी है टॉक टू मी। ये मूवी 2022 में आई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है कुछ बच्चों की, जिन लोगों के हाथ में एक ऐसा डिवाइस लग जाता है या ऐसी चीज लग जाती है जिसकी वजह से ये लोग भूतों से बात कर सकते हैं। ये एक हाथ होता है, इन लोगों को बस उस आर्टिफिशियल हैंड से हाथ मिलाना है और साथ में परमिशन देनी है गोस्ट को कि वो इनके अंदर आ जाए, उसके बाद वो इनके अंदर आ जाता है। अब ये लोग इसको काफ़ी लाइटली लेते हैं, पहले तो उनको बहुत मजा आता, बट एक दिन जब ये लोग इन सब चीज़ों को मजाक में ले रहे होते हैं, हर बार इन सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो उसके बाद बहुत खतरनाक बुरी आत्मा इनके अंदर आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद असली मौत का खेल शुरू होता है जिसको आप में से बहुत से लोग देख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए एक आर रेटेड मूवी है जिसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द ब्रूअल। ये मूवी 2023 में ही आई है। ये एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फ्यूनरल होम ओनर की, जिसका बिजनेस बहुत बड़े खतरे में होता है, जिसकी वजह से ये एक कंपनी के ऊपर केस कर देता है, जिसके बाद दूसरा वकील उस केस को लड़ रहा होता है। यहाँ पे दो वकीलों के बीच की लड़ाई दिखाई गई है। अब यहाँ पे बात बहुत बड़ी है क्योंकि जो अमाउंट है वो $500 मिलियन का है, जो कि लगभग होता है 4,000 करोड़ से ज्यादा का। तो केस कौन जीतता है, पूरी कहानी क्या है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है और काफी अच्छी मूवी है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी ओल्ड डैड्स। ये मूवी 2023 में आई है। ये एक कॉमेडी मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है तीन बेस्ट फ्रेंड्स की, जो लोग फादर बन जाते हैं क्योंकि इनका सपना होता है फादर बनने का। मैं यहाँ पे फादर वाले फादर की बात नहीं कर रहा हूँ, चर्च वाले फादर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में पिता बनने का इनका सपना होता है जो कि इन सब का साकार हो जाता है। लेकिन उसके बाद इनके जीवन में बहुत सी अजीबोगरीब समस्याएं आने लगती हैं और वही इस मूवी की एक्चुअल कॉमेडी है जो आपको हंसाएगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉमेडी मूवी है नहीं है, एक लाइट मूवी है, लाइट कॉमेडी मूवी है जिसको आप देख सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम है और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है बारबेरियन, जो मूवी 2022 में आई थी। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो कि ऑनलाइन Airbnb पे एक रूम बुक करती है। बट जब ये उस रूम पे पहुंचती है, उस घर में पहुंचती है, उसको पता लगता है वहां पे पहले से ही कोई रह रहा है और उसने बहुत समय से इस घर को रेंट कर रखा है, तो इसको लगता है यहाँ पे कुछ गलती हुई है। बट वो आदमी इसको घर के अंदर आने देता है, बोलता है तुम यहीं पे रुक जाओ, आराम से रहो, सुबह चले जाना। बट उसके बाद इस मूवी की एक्चुअल कहानी शुरू होती है क्योंकि उस घर के अंदर कुछ बहुत भयानक चीजें दबी हुई है जिसके बारे में इस लड़की को कुछ भी नहीं पता। और क्या वो लड़का सच में उस घर को रेंट कर रखा है, वो कोई और है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स प्लस 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट मूवी है किलर ऑफ द फ्लावर मून, जो मूवी अभी 2023 में ही आई है और थिएटर्स के अंदर लगी हुई है। ये एक क्राइम ड्रामा हिस्ट्री मूवी है और साथ में ये लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है, जिनकी मूवीज अक्सर बहुत ज्यादा अच्छी होती है और ये मूवी भी काफी अच्छी है। अगर स्टोरी की बात करें तो कहानी दिखाई गई है 1920s की, जब ओक्लाहोमा में बहुत सारा ऑयल मिलता है, जिसकी वजह से वैसे उससे पहले मिलता है लेकिन कहानी 1920s की है, जहाँ पे जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं उनको बहुत सारा पैसा दिया जा रहा होता है, उस ऑयल का शेयर दिया जा रहा होता है। लेकिन 1920s में अचानक से बहुत से नेटिव लोग मरने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं का मर्डर हो रहा होता है, जिस चीज़ को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एक FBI एजेंट को दी जाती है कि वो पता लगाए कि आखिर इन लोगों का मर्डर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो आखिर उन लोगों का मर्डर क्यों हो रहा है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में थिएटर्स में लगी हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।